पहले तो मरकज़ी इत्तेहाद कमेटी शोलापुर की तरफ से 25 अक्टूबर 2023 को सीपी ऑफिस में आकर जोन के ऑफिस में डीसीपी साहब के पास परमिशन के लिए लेटर दिया गया था कि जो जालिम इसराइली हुकूमत फ़लस्तीन पर आग बरसा रही है, जुल्म ज़्यादती कर रही है, तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए एक मूक मोर्चे का आयोजन करने के तौर पर हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था। उस वक्त पुलिस प्रशासन की तरफ से ये हमें 25 तारीख को समझाया गया कि आपको परमिशन मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। पूरे दिन का फॉलोअप चलता रहा, जिसके बाद शाम तक भी ये बस यही समझाया गया कि आपको परमिशन मिल जाएगी। फिर पुलिस कर्मचारियों की तरफ से ये बात समझ में आई कि परमिशन जो है आपको कोई कल तक मिलेगा। हमने कहा तो फिर हम क्या उसके ताल्लुक से वीडियो वायरल कर सकते हैं कि जो हम मूक मोर्चा लेने जा रहे हैं 27 अक्टूबर को, तो यही समझाया गया कि आप वायरल कर सकते हैं। तो उस वजह से हमने 27 अक्टूबर का मूक मोर्चे का जो वीडियो था उसके जो पोस्ट थे वो वायरल किए। लेकिन आज 26 अक्टूबर को सीपी साहब की तरफ से हमें बुलाया गया और ये बातें बताई गई कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और शहर के लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल करते हुए महाराष्ट्र में भी कहीं भी ऐसी रैली को परमिशन नहीं दी गई है। ऐसे कुछ रीजंस थे उनके, उस रीजंस की बुनियाद पर उन्होंने मूक मोर्चे के लिए मना किया। 2 घंटा मीटिंग चली, काफ़ी हमने सर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कुछ रीजंस थे, वो बेहतर जानते हैं इस बारे में। तो पुलिस प्रशासन ने कल 27 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुमा जो मूक मोर्चा होने वाला था उसको रद्द किया है, उसकी परमिशन को उन्होंने मना किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कल यानी शुक्रवार के दिन 27 अक्टूबर को सामूहिक प्रार्थना इज्तिमाई दुआ के लिए बांगल स्कूल ईदगाह में हमें परमिशन दी है। लिहाजा हम भी शहर के लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल करते हुए, देश की एकता अखंडता का ख्याल करते हुए, सुव्यवस्था का ख्याल करते हुए हमने भी इस फैसले को तस्लीम किया है। लिहाजा इसलिए हम कल पांगल स्कूल ईदगाह में बाद नमाज मगरिब इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ रखी गई है। मैं सभी भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस बात को अपने ध्यान में लें कि कल जो मूक मोर्चा था वो कैंसिल हुआ है और बाद नमाज मगरिब इज्तिमाई दुआ पांगल स्कूल ईदगाह में रखी गई है। आप सभी से ये गुजारिश है कि इस इज्तिमाई दुआ में शरीक रहें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा और मज़लूमों की मदद फरमाएगा इंशाल्लाह। कि आज धर्म की राजनीति की जा रही है, नफरत फैलाया जा रहा है, जाति द्वेष फैलाया जा रहा है और पता नहीं ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं। इससे किसको पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल होगा, किसका इसके पीछे मफाद छुपा हुआ है वो बेहतर जानते हैं। हम यही चाहते हैं कि देश में मोहब्बत फैले, अमन व शांति फैले, भाईचारगी फैले। ये देश गंगा जमनी तहजीब वाला देश है, हम गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले लोग हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस तरह की गलत बातें कही हैं, बोली हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे और ये हिंदू मुसलमानों में नफरत और झगड़ा फैलाने के लिए ये जो ताकत खर्च कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इसे देश की तरक्की और उन्नति में लगाएंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़ायदा होगा। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सब्स्क्राइब करा।